हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द स्टॉलर वर्ल्ड। तो हम हैं इन दिनों बरोट में। हम आपको अपने वीडियोस में दिखा रहे हैं बरोट में घूमने लायक कुछ जगहें। आज भी हम आपको ले चलेंगे कुछ बेहद ही खास जगहों पे, जिनको देखने के बाद आप भी बरोट में घूमने का मन बना ही लोगे। तो आज हम जिन जगहों को विजिट करने वाले हैं वो हैं बरोट में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बिना किसी मैकेनिकल एनर्जी से चलने वाला फाउंटेन। उसके बाद आपको ले चलेंगे जीरो पॉइंट, जो कि है जोगिंदर नगर से आने वाली हॉलेज ट्रॉली के लिए बनाए गए रेल ट्रैक का एंड पॉइंट। और फिर ले चलेंगे उस ब्रिटिश इंजीनियर के घर, जिसकी वजह से बरोट की है आज अपनी एक अलग ही पहचान। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक। हमारा ये वीडियो शायद उन लोगों के काम आए जो बरोट में घूमने का मन बना रहे हों। तो हम जा रहे हैं उस फाउंटेन के पास, जो कि है बरोट का टूरिस्ट अट्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट। इस फाउंटेन को बनाया था 1930 के आसपास ब्रिटिश इंजीनियर्स ने। आज ये फाउंटेन बरोट में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस फाउंटेन की खास बात यह है कि ये बिना किसी मैकेनिकल एनर्जी के चलता है और कंटिन्यूसली पानी के प्रेशर से पाइप के द्वारा ओवरफ्लो बनता है और पानी ऊपर की ओर उठता है। बरसात में जब पानी का लेवल ज़्यादा होता है तो उस वक्त प्रेशर भी ज़्यादा होता है, और इस फाउंटेन में जो पानी की जो फुहारे की बौछार होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक चली जाती है और कंटिन्यू ये फवारे में पानी बहता ही रहता। इस फाउंटेन के पीछे ब्रिटिश इंजीनियर्स ने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था ये तो हमें नहीं मालूम, मगर इस फाउंटेन को देखने के बाद हर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। शायद यही खासियत है इस फाउंटेन की। अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी मंजिल की ओर, जो कि है थोड़ी ही दूरी पे। हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट है वो जगह जहाँ पे ख़त्म होती है जोगिंदर नगर की तरफ से आने वाली हॉलेज ट्रॉली के लिए बनाई गई रेल लाइन। हॉलेज ट्रॉली का यूज़ किया जाता था हैवी स्ट्रक्चर्स को, हैवी मशीनरीज को बरोट तक पहुँचाने में। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जीरो पॉइंट पे। ये है जोगिंदर नगर से बरोट की तरफ को जो आने वाली हॉलेज ट्रॉली है, ठीक है। इसको अंग्रेजों ने बनाया था, तो वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा ट्रैक बिछा हुआ है। तो उस साइड से पूरा मटेरियल वहाँ से उस ट्रॉली के थ्रू कैरी करके यहाँ पहुँचाया जाता था। उधर से भी ऊपर पहाड़ पे पहले ट्रॉली चढ़ती थी टॉप पे, और उसके बाद यहाँ से नीचे उतरती थी। ये है उस ज़माने की क्रेन। देखिए कितनी बड़ी क्रेन है। ऊपर से जो ट्रॉली में जो भी मटेरियल आता था उसको इस क्रेन के थ्रू नीचे उतारा जाता था। सो अभी तो ये पूरी खस्ता हालत में पड़ी है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी मुझे पता नहीं कि किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। ये आई थिंक इसके ब्रेक्स वगैरह हैं यहाँ कुछ, और ये पुल्ली वगैरह यहाँ है। सो इस तरह से उस ज़माने में पूरा काम किया जाता था। बिल्कुल एंड पॉइंट पे लगी है ये। तो अभी ये हालत खस्ता है इसकी। अंग्रेज़ों ने वैसे बहुत सी चीज़ें बनाई है इंडिया में, बट इंडियन लोगों ने क्या किया कि इंडियन लोगों ने कदर नहीं की है उन चीज़ों की। इंडियन लोगों को तो लगता है कि हमारी अचीवमेंट यही है, हमने अंग्रेज़ों को भारत से भगा दिया, वही सबसे बड़ी बात है। मगर अगर इन चीज़ों की वैल्यू को समझा गया होता, इनको प्रॉपरली मेंटेन रखा गया होता, तो शायद बरोट के जो टूरिज़म में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अपना जो पार्टिसिपेशन देती। मगर मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, इसका जो लोग यहाँ आते नहीं है इसको इतना देखने। अभी इस ट्रैक को और इन स्ट्रक्चर्स को देख के लगता है कि ये अपने जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे हों, क्योंकि कई सालों से ये ट्रॉली पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है और जोगिंदर नगर की तरफ से ऊपर सिर्फ वेंच कैंप तक ही चलती है। उसके बाद पूरा ट्रैक टूट चुका है, लैंडस्लाइड जगह जगह हुए पड़े हैं और झाड़ियों से भरा पड़ा है पूरा ट्रैक। शायद इंडियन गवर्नमेंट इसका खर्चा ना उठा पाए, यही कारण हो सकता है इसके बंद रहने का। कि आज से 100 साल पुरानी लकड़ी, 100 साल पुरानी ये जो रेल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर उस ज़माने का मार्क्स लगे हुए अभी तक पूरा,
कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हैं, सीरियल नंबर्स। ये देखिए किस खंडर हालत में पड़े हुए हैं ये स्ट्रक्चर्स। थोड़ा जंगल की ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे खेत दिख रहे हैं यहीं से। अंग्रेज़ों की कारीगरी को मानना ही पड़ेगा। कितना उस ज़माने में, सोचो आज से 100 साल पहले किस तरह से उन्होंने माइंड में ये सोचा होगा कि हम लोग बरोट में डैम बनाएंगे और उसका पानी उस तरफ लेके चलेंगे, वहाँ से बिजली तैयार करेंगे। तो इतना बड़ा चैलेंज उनके बीच में, इतनी बड़ी पहाड़ी, उसके ऊपर से पूरा ये ट्रैक बिछाया। इस ट्रॉली में ही कितना खर्चा लगा होगा। रोड का तो कोई नामो निशान था नहीं, उस टाइम कोई स्कोप नहीं था क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से कट था उस टाइम। रोड भी हालांकि यहाँ बहुत देरी से पहुँची है, तो अंग्रेज़ों ने फिर भी इस जगह को अच्छे से डेवलप किया था। देखिए मेरे पीछे कितनी खड़ी चढ़ाई है, पूरा ट्रैक दिख भी नहीं रहा है वैसे तो, घास और झाड़ियाँ पूरी भरी पड़ी है इसमें। ये यहाँ से इसके थ्रू वो एक केबल कनेक्ट होती थी और वो उस ट्रॉली को यहाँ से ऊपर जो मशीनें लगी होती थी वो उसको वहाँ घूमती थी अपना विंच कैंप पे, और उसको ट्रॉली को उस रस्सी के सहारे ऊपर को खींचती थी। देखिए किस हालत में पड़े हैं ये खंडर, बन चुके हैं सारे। लगता है कि यहाँ से जो टेलीफोन सिस्टम होता था यहाँ से। वैसे तो यह ट्रैक बहुत लंबा है और आपको इसको पूरा कवर करने में घंटों लग जाएंगे, मगर हम यहीं से वापस हो रहे हैं और जाएंगे अपनी अगली मंजिल की ओर। हम जा रहे हैं उस जगह जो कि था ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बीसी बैटी का घर, लेकिन आज वो भी बंद हालत में पड़ा है। हम आपको बताएंगे कैसे कर्नल बीसी बैटी के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि वो बरोट की ऊहल नदी के पानी से 5 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिनमें से सिर्फ 3 ही हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बन पाए, और उसके बाद कर्नल बीसी बैटी की मृत्यु हो गई। कर्नल बीसी बैटी ने सबसे पहले तो पठानकोट से लेकर जोगिंदर नगर तक पूरी रेल लाइन बिछाई, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज था ब्रिटेन से आने वाली हैवी मशीनरीज को जोगिंदर नगर में शानन पावर हाउस तक कैसे पहुंचाया जाए, और उसके बाद बरोट में बनने वाले डैम और रिजर्वायर तक मटेरियल को किस तरह पहुंचाया जाए। इसलिए उन्होंने जोगिंदर नगर से आगे पूरी पहाड़ी के ऊपर से बरोट तक एक पूरा रेल ट्रैक बिछाया और उसके ऊपर हॉलेज ट्रॉली चलाई, जिसके थ्रू मटेरियल कैरी करके बरोट तक पहुँचाया गया। कर्नल बीसी बैटी ने बरोट से ऊपर बहुत ही शांति भरी जगह में अपने लिए घर बनाया, वहीं से वो इस पूरे प्रोजेक्ट का सुपरविजन करते थे। तो आइए चलते हैं कर्नल बीसी बैटी के घर। सो हम जा रहे हैं कर्नल बैटी के हाउस। यहाँ से काफ़ी ऊपर पैदल चलना पड़ता है, रिजर्वायर के साथ साथ चलना पड़ता है पूरा रास्ता यहाँ से, और आगे से ऊपर की चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है। लोकेशन हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में धूप बहुत है, रास्ता बड़ा बड़ा है और दूर काफ़ी है। रास्ता पगडंडी है कर्नल बैटी के घर तक जाने का। आई थिंक उस ज़माने में बहुत ही सही रास्ता हुआ करता होगा, लेकिन आज तो ये एकदम पगडंडी बन चुका है। देखिए घोड़े भी ढंग से नहीं चल पा रहे। अभी जो आधा रास्ता है वो भी हमने अभी कवर नहीं करा है, अब यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस बचता है। हम लोग तो यहीं तक थक चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा आगे की तरफ बढ़ेंगे। कर्नल बैटी के घर तक जाते वक्त रास्ते में हर एक जगह से रिजर्वायर का पूरा नज़ारा दिखता रहता है। ये रास्ता बेशक उबड़ खाबड़ भरा है, बट इसमें जगह जगह पे रेन शेल्टर्स वगैरह बने हैं, और इनसे देख के पता लग जाता है कि ये जो रेन शेल्टर बने हैं ये उस ज़माने के बने हुए हैं जब कर्नल बैटी यहाँ पे रहा करते थे। कर्नल बैटी ने अपने लिए जो लोकेशन सेलेक्ट करी है वो बहुत ऊपर करी है। आई थिंक उस लोकेशन से पूरा का पूरा
जो नीचे का जो व्यू है उसका, जो उस टाइम डैम वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन वर्क चला था वो पूरा का पूरा शायद वहाँ से दिखता होता और वहीं से वो पूरी उसकी ऊपर से देख रेख करता होगा। बड़े लेट नहीं हो रहे स्कूल वाले साइमन को? सो बढ़ते बढ़ते हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, चढ़ाई हमने लगभग ख़त्म कर दी है। अब थोड़ा रास्ता अब प्लेन है आगे को और ऊपर से बस इतना व्यू दिखता है। पूरी की पूरी ब्रोट वैली जो है, पॉपुलेशन जो है वो इसी एरिया तक सीमित है पूरी, और पीछे पूरे पहाड़ है। सो अभी हमें चलते चलते एक घंटा होने वाला है और मंजिल अभी तक सामने दिख नहीं रही है। अभी काफ़ी ऊपर है आई थिंक। अब मौसम ऊपर ठंडा होता जा रहा है, हम लोग थोड़ा ऊपर चढ़ाई में चढ़ते जा रहे हैं, टेम्परेचर गिरता जा रहा है। हाँ अभी एक और इधर रेन शेल्टर हमें मिल चुका है, तो पूरे रास्ते में ये तीसरे नंबर का रेन शेल्टर है। सो यहाँ दो रास्ते आपस में इकट्ठा होते हैं, तो अभी ये रास्ता है या ये रास्ता है, यही रास्ता है आई थिंक, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऊपर लगी हुई है। हाँ नालियाँ भी यहीं से बनी हुई है, देखो कहाँ से नाली बनते बनते उधर नीचे तक, उस ज़माने का प्रॉपर ड्रेनेज देखो, कहीं को भी पानी वेस्ट करके नहीं, हर कहीं को नहीं मोड़ा जाता था, प्रॉपरली ड्रेन करके। देखिए हम लोग लोकेशन में तो डेफिनेटली पहुंच ही चुके हैं आई थिंक, ऊपर कुछ पुराने घर दिख रहे हैं तो लगता है कि उधर ही होगा कर्नल बैटी का हाउस। सो वो फाइनली हमारी मंजिल वहाँ दिख गई, छत दिख रहा है, मुझे लगा कि उस तरफ ऊपर को होगा बट वो सामने है इधर कर्नल बैटीज हाउस। वी आर जस्ट अबाउट टू रीच। देखिए उस जमाने के घूमने वाले गेट किस तरह से बनाए गए थे, देखो लकड़ी का पूरा, उधर स्टॉप, उधर से ये गेट बंद और ऐसे उतना कर ही अंदर बाहर निकलने का। मैंने आपको जैसे पहले बताया इंडियन लोगों ने बिल्कुल भी कदर नहीं किया जो चीज़ अंग्रेज यहाँ छोड़ के चले गए। देखो किस तरह से खंडर बन चुका है और यहाँ लोगों का आना जाना चहल पहल भी बहुत कम लगती है और इस जगह की केयर भी बहुत कम है। लोकेशन तो हाँ वैसे अच्छी लोकेशन चूज़ की है, उस ज़माने में प्यारा नज़ारा है यहाँ का, बट पैदल काफ़ी चलना पड़ता है। आई थिंक उस ज़माने में शायद वो लोग घोड़े पे चलते होंगे, या तो पैदल तो ऊपर नीचे चलना काफ़ी वैसे दिक्कत भरा काम है। सो पहुँच चुके हैं हम कर्नल बैटीज हाउस, बैटीज होम जालन लिखा है। सो हम लोग कर्नल बैटीज के हाउस में पहुँच चुके हैं, यहाँ लिखा है बैटीज होम जालन। सो ये है वो घर जहाँ पहुँचने के लिए हमें एक घंटा से ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। अभी देखते हैं कि इस घर में क्या क्या है, क्या खासियत है यहाँ की। हिस्टोरिकल प्लेस है बट यहाँ चहल पहल बहुत कम है। आई थिंक हम लोग ही हैं यहाँ पहुँचने वाले आज, और हमारे साथ एक अंकल और आंटी और थे, वो काफ़ी पीछे रह चुके अभी। सो अभी दिखाते हैं आगे, ये देखिए लॉन काफ़ी खुला है आगे, उस तरफ गांव है ऊपर, यहाँ से एंट्री है उधर से ये। यहाँ लिखा है बैटीज होम जालन, ये है वो घर। तो फूल कम खिले बचे हुए इधर, कुछ एक फूल ही खिले हुए हैं। और उधर भी है एक हाउस,
उस तरफ। ये देखिए घर के पूरा चारों तरफ का व्यू। आई थिंक ये बॉर्न फायर के लिए बनाया होता है इधर, या कुछ और एक्टिविटीज के लिए। ये हेक्सागोनल शेप में बनाया हुआ इधर पूरा। तो अंकल जी वगैरह भी पहुंचे हैं, अंकल जी हमसे काफी लेट है। इधर पे देखिए ऊपर स्नो प्रोटेक्शन के लिए भी रेलिंग्स लगी हुई है। ये उस जमाने में फॉलो की गई टेक्निक है जो आजकल फिर से यूज़ हो रही है मैक्सिमम हिली एरियाज़ में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है जिनके रूफ्स बहुत ज़्यादा स्लोपी होते हैं, उनके आगे इस तरह की रेलिंग्स लगाई जाती है ताकि बर्फ़ जो है डायरेक्टली ऊपर से ना गिरे किसी के सिर पे, नीचे चलने वाले लोगों के ऊपर। तो ये था कर्नल बेटी के घर के आसपास का नज़ारा जो कि हमने आपको दिखाया। आज बड़ा है यह घर बिल्कुल अकेला। कहते हैं कि यहाँ देखने लायक कुछ पुरानी चीज़ें थीं जैसे कि बॉयलर्स वगैरह, मगर आज वो भी गायब हैं। इस घर के अंदर तो हम आपको नहीं ले जा सके क्योंकि इसमें ताले लगे हुए हैं, मगर इसके आसपास का जो नज़ारा हमने आपको दिखाया उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।